अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एकदम चंगे होंगे। और गाइस, बहुत दिन के बाद एक वीडियो में फिर से आया हूँ मैं, क्योंकि मेरा माइंड है ना एकदम ख़राब है। माइंड ख़राब है और गाड़ी देख सकते हो मेरे पास वही है जो मेरी जूनी वाली है, उसी गाड़ी में वापस से आया हूँ, काम पे निकला हूँ। सोच रहा हूँ कुछ काम करके लेके आ जाता हूँ, कुछ कमा के लेके आ जाता हूँ, क्योंकि घर पे कब तक बैठूँ। घर पे बैठ बैठ के हो गया हूँ मैं परेशान, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया गाइस मेरे को काम पे जाके। ईद से मैं काम पे नहीं गया हूँ, सोचो आप लोग। गए सैटरडे को, ईद थी और आज संडे है। एक हफ्ते से भी ज़्यादा, 8 से 9 दिन हो गया मुझे काम पे जाके, तो मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन तो ईद में निकल गया, 4th दिन मैंने गाड़ी में एक्सेसरीज कराया और उसके बाद कल आ जाएगी नंबर प्लेट, इसमें ही लगा हुआ हूँ। और मेरे एजेंट मेरे को झूठ बोल बोल के वो भी परेशान हो गया है और मेरे को भी परेशान करके उसने रखा है। कल जब मतलब भड़क गया मैं उसके ऊपर कि गाड़ी लेके आता हूँ शोरूम में और खड़ी कर देता हूँ और ये गाड़ी तुम रखो, और 2-4 महीने में आराम से जब भी नंबर प्लेट आए, 2 महीने में 4 महीने में 6 महीने में फिर गाड़ी मेरे को दे देना। तो वो बोलने लगा कि नहीं सर, मेरी नौकरी का सवाल है, ये वो जाने दो। मैं बोले, फिर उसने अपनी गलती तस्लीम किया, क्योंकि उसने बोला कि मैंने पैसा RTO में पूरा नहीं दिया है, पूरा पैसा नहीं देने की वजह से उन लोगों ने नंबर नहीं दिया है। तो भाई, मैं बोला मेरा क्यों नुकसान करा रहे हो यार, मेरे पास 1 तारीख से भाड़ा भी है और मैं घर पे भी बैठा हूँ, कम से कम तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मेरे को बोलना चाहिए, जो भी है वो बताना चाहिए ना। अगर गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं आने वाला है, मैं अपनी दूसरी गाड़ी पे जाता था काम पे, लेकिन मैं खाली बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ ये गाड़ी के भरोसे, कल आ जाएगी के चक्कर में मेरी 8 दिन की छुट्टी हो गई है, बहुत बड़ा लॉस हो गया यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर जाके उसने सॉरी बेरी बोल के ऐसा करके उसने बताया कि सर आपका अब गाइस देखो, आज संडे है, कल मंडे को भी छुट्टी है, मंडे को भी कोई काम नहीं है, तो क्या करता था मैं। बोला ठीक है, मैं अपनी गाड़ी पे निकल जाता हूँ, जो ड्राइवर भाई को दिया था उनको बोला मैंने सुबह मॉर्निंग में गाड़ी ला के दो, क्योंकि मुझे काम पे निकलना है। वो भी नाइट में ही चलाते, सिर्फ और नाइट में चलाते, डे में मैंने सोचा कि मैं चला लेता हूँ 2-3 दिन। आज तो संडे का दिन है, आज मैं काम पे निकला हूँ, लेकिन कल मेरे पास प्राइवेट बुकिंग है 2-3 दिन की, जो एक बार आई थी आप लोगों को वीडियो में बताया भी था मैंने, और वो कितने की है, कितनी है, वो सब आप लोगों को मैं बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन माइंड जो है ना वो एकदम पूरा ख़राब है। गाड़ी की EMI डेली मेरे सर पे चढ़ रही है, उसका पैसा डेली चढ़ने पे है सर पे, गाड़ी की EMI का भी टाइम आ रहा है, और सब एकदम पूरा बोलते हैं ना लॉस हो रहा है, स्टार्टिंग में ही लॉस हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई। तो ऐसे प्लीज़ गाइस, आप लोग भी जब गाड़ी लेंगे, कोई नई गाड़ी खरीदेंगे, तो उस सारी चीज़ों का उनको उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये झूठ बोल बोल के आपका नुकसान कितना भी करा देंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये झूठ बोल बोल के आपका नुकसान करा देंगे, इनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान आपका हो जाएगा। तो इसके लिए सारा कुछ बैकग्राउंड, सारी चीज़ें मजबूत करके चलना और पहले से ही सोच समझ के चलना, ताकि आपको धोखा या परेशानी ज़्यादा ना हो। क्योंकि देखो, अक्सर मैंने देखा है जो भी नया गाड़ी लेके आता है ना, ज़्यादातर वो एक EMI जेब से भरता ही है। इंशाल्लाह मैं तो शायद नहीं भरूंगा जेब से, कमा के भर सकता हूँ, अभी भी इतनी उम्मीद है कि मैं कमा के शायद भर सकता हूँ, लेकिन आगे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है और भी झूठ बोल रहा होगा। मंगलवार तक अगर नंबर प्लेट आ जाती है तो गाइज मैं कमा के भर लूँगा EMI, और अगर नंबर प्लेट मंगलवार को भी नहीं आती है तो फिर अपने को जेब से EMI भरनी पड़ेगी, अपने घर से। और कमाना दमाना तो कुछ है ही नहीं, खाने पीने का तो ठीक है, खर्चा पानी तो लोगों का चलता है, सबका चलता है, मेरा भी चल रहा है, ऐसे तो क्या है, ये तो सब चलते रहता है गाइज। अच्छा, आज एक चीज़ और, आज संडे का दिन है, हो सकता है शायद धमाल हो जाए, कमाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। बुकिंग कितनी है क्या है वो पता नहीं, अभी टाइम जो हो रहा है ना गाइज, टाइम हो रहा है 7:22, 7:30 बज चुके हैं, और मैं अभी इस वक्त खारघर में आया हूँ, और देखो बुकिंग आ रही है थाना, किधर से आ रही है, घोट कैंप, सोचो जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से बुकिंग आ रही है 4.5 किलोमीटर दूर से। कौन उठाएगा पिकअप, और उबर ने अपना फंसाया हुआ पैसा, कल मैं ऑफिस भी जाके आया हूँ और एक हफ्ते का टाइम ले लिया ऑफिस वालों ने कि सर आपका पैसा एक हफ्ते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन लोगों ने भी परेशान करके रखा है, गाड़ी वाले ने भी परेशान करके रखा है, चारों तरफ से मेरे को परेशान करके रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, डरने का नहीं,
इसी का नाम तो जिंदगी है, वो भी मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये सारी चीजें एक्चुअली इंसान की लाइफ में होती रहती है, इन चीजों से डरने का नहीं है, डरने का नहीं है बल्कि लड़ने का है। अभी देखो इतनी दूर से बुकिंग है, कैश ऑनलाइन ट्रिप है, और उबर ने अपना पैसा मेरे को पैसा दे रहा नहीं है, तो मैं ऑनलाइन बुकिंग नहीं उठाने वाला हूँ, कैश ट्रिप उठाने वाला हूँ। सब कैश ट्रिप ही मारना है, ऑनलाइन नहीं मारना है। ठीक है गाइज, आज दिन भर में कितना काम करेंगे बताएंगे आपको अपनी मिनी में। इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको जो है वो प्राइम में मिले। मैंने इसीलिए वीडियो नहीं बनाया और काम पे नहीं निकला इसकी वजह से, और दूसरा मैंने सोचा कि अब आप लोगों को प्राइम मतलब सेडान गाड़ी की वीडियो देंगे बना के, क्या सेडान गाड़ी में कितना काम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो सब आप लोगों को बताने वाला था मैं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक वीडियो मैंने सोचा, बहुत दिन हो गया है, मतलब ये समझ के चलिए आप 10 दिन में मैं आपको ये वीडियो मिनी की दे रहा हूँ, एक वीडियो एक गाड़ी की और एक ही है, 2-10 दिन में 2 वीडियो मिनी में दिया। लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह आपको अच्छी बुकिंग देंगे। देखो गो इंटरसिटी माथेरान की बुकिंग आ रही है 890 रुपये में, मुझे नहीं जाना है, कैश ट्रिप है लेकिन नहीं जाना है, 890 में माथेरान की बुकिंग आ रही है और माथेरान से वापस इधर एमटी आने का, तो ये काम अपने बस का नहीं है। ऐसी इंटरसिटी नहीं चाहिए, बॉम्बे की फटाफट बुकिंग मिल जाए, फटाफट यहाँ से निकल जाऊँ। तो चलिए मिलता हूँ थोड़े समय के बाद, पूरी अपडेट देंगे दिन भर की, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ प्लीज़ ध्यान रखना इस बात का जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब 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 कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जूही नगर पहुँचा हूँ। जूही नगर सुबह से होश नहीं है, मतलब दना दन बुकिंग लग रही है और वो भी लंबी लंबी। पहली बुकिंग एयरपोर्ट खारगढ़ से, दूसरी बुकिंग एयरपोर्ट से पलावा सिटी नीलजे गांव के पास, पलावा सिटी से तुरंत ड्रॉप भी नहीं करा मैंने। पहली बुकिंग आई मेरे को कफ पैरेड, कौन सा है वो कफ पैरेड में, कफ पैरेड में एक बिल्डिंग है, कौन सा टावर का नाम भूल गया मैं, वहां पे मैंने जैसे ही कस्टमर को ड्रॉप किया तुरंत मेरे को बुकिंग लगी 1.06 में ओला में, जो लगी मेरे को फोन आने की वजह से वीडियो हो गई थी पॉज गाइस। फिर मेरे को बुकिंग लगी कब पैरेट से परेल 1.06 में, जैसे मैंने ड्रॉप किया मेरे को लग रही थी भूख, मैंने खाया खाना 12 बजे। फिर मैंने खाना खाने के बाद ऑनलाइन हुआ, शिवड़ी से बुकिंग लगी मेरे को, शिवड़ी से जूही नगर 1.53 में, यहाँ का 23 किलोमीटर का मेरे को 493 दिया ओला ने, 493 ऐसा अपना जो अर्निंग हुआ है एकदम धमाल, बहुत मजबूत अर्निंग हो गई है, मतलब लगभग अच्छी हो गई है। आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर आपको बताऊंगा तो इंटरेस्ट नहीं आता उतना, काम मार्केट में दबा के। प्लीज़ आप लोग भी फटाफट काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, सीज़न आ चुका है और सीज़न में पैसा कमाओ दबा के। अभी 1-2 महीना जितना भी आराम किया है, अभी आराम नहीं करना है, पैसा कमाना है अपना आराम। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली खारगढ़, और खारगढ़ हीना नंदानी के बाजू में हूँ मैं, मतलब सेक्टर 7 में हूँ, और अभी तक मतलब 10 मिनट लगभग मेरे को यहाँ पे आके हो गया है, और बुकिंग अभी तक कोई खारगढ़ की लोकल नहीं आई है, क्योंकि मैं बैठा हूँ खारगढ़ लोकल बुकिंग मारने के चक्कर में। अभी टाइम बहुत है, क्योंकि टाइम हो रहा 3:20, 3:20 अपने पास बहुत टाइम है अभी तलोजा घर पे पहुँचने के लिए। इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कोई 100-150 रुपये की बुकिंग अपने को मिल जाएगी खारगढ़ में लोकल में, किधर तो मार देंगे और फिर चले जाएंगे फाइनली घर पे, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बॉम्बे जाने जितना तो जितना है अपने पास है उतना अपन काम करेंगे, क्योंकि शाम में जो मेरी गाड़ी चला रहे थे भाई वो जाएंगे गाड़ी पे 5 बजे, 5:30 बजे, इसी वजह से अपने को घर पे जाना ज़रूरी है। और काम भी एकदम ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा। यहाँ का 11 किलोमीटर मेरे को खारगढ़ का नेरुल से सानपाड़ा से खारगढ़ 11 किलोमीटर का 240 रुपये दिया उबर ने, 240 बहुत अच्छा पैसा दिया है, थैंक यू उबर। बट अब यहाँ से देखते हैं आती है बुकिंग या नहीं आती है, या यहाँ से जाएंगे एमटी, जो भी होएगा बताएंगे आपको, बने रहना वीडियो में एंड तक। सो गाइज मैं फाइनली पहुंच गया था घर पे, और घर पे पहुंचा मैं 3:30-4:15 बजे, 4:30 बजे मैं घर पे पहुंच गया था, 3:15 बजे लास्ट ड्रॉप मैंने खारगढ़ किया और मैं निकल गया सीधा एमटी घर पे। सोचो आप लोग 3:45 बजे घर पे पहुंच गया, और जो अपनी अर्निंग हुई बहुत अच्छी हो गई है, 2600 रुपये की अर्निंग हुई है, और 750 रुपये की मेरी सीएनजी गई है, 750 रुपये की सीएनजी, 2600 की अर्निंग, आप लोग देख लेना कितना प्रॉफिट हुआ। तो गाइस देखो ये मिनी गाड़ी में गया था एक्चुअली, क्योंकि अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं आई है जिसकी वजह से मैं काम पे नहीं जा पाया हूँ, बट मेरे पास
एक कल परसों तीन दिन, मतलब एक तारीख दो तारीख तीन तारीख, तीन दिन की मेरे पास बुकिंग है, जो मैं पहले भी लेके गया था मालेगांव और दो दिन बॉम्बे, वही सेम बुकिंग मेरे पास कल से वापस है। अब गाड़ी तो अपने पास सेडान नहीं है, बट मिनी भी नहीं लेके जाने वाला हूँ मैं, अपनी वैगनार भी नहीं लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि कस्टमर ने मना किया है कि वैगनार नहीं लेके आना। फिर मैं दूसरी एक गाड़ी लेके जा रहा हूँ एक्सेंट, कौन सी लेके जा रहा हूँ वो सब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो देखने मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ मज़ा आने वाला है। तो चलिए गाइस, अभी कैसा लगा, कैसे लगी आज की वीडियो, कैसा लगा काम, देखिए मैं अभी वापस से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कमाने का टाइम हो गया स्टार्ट, कमाने का टाइम अपना स्टार्ट हो गया, तो प्लीज़ दबा के कमाओ, ठीक है। ओके चलिए, धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, आप लोग अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ताकि वीडियो आप लोगों को फटाफट मिल जाए। बाय बाय।